समीर, समीर पूरा नाम समीर खान, समीर को हमारे हस्बैंड को प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको मांस नहीं करते, मांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है, मेरी ब्यूटी किस काम की? ए समीर, समीर इधर आ, इधर आ, समीर ऊपर आ ना, जरूरत है समीर, ये देख पीछे मेरा बटन खुल गया है, प्रैक्टिस तो बहुत है, बटन लगाने का बहुत प्रैक्टिस, अरे समीर कर देगा ना, समीर को तुमसे ज्यादा पता है, ए समीर, चुप रहा है, समीर, अच्छा लगाने का प्रैक्टिस नहीं है, मन तेरा भी नहीं भर रहा, समीर मजे तो नहीं ले रहा ना मेरे, समीर सारे शो में पकड़ के खड़ा रहा, आजा समीर, ए समीर पकड़ के रहो ना सारे शो में, इसको सैनिटाइज किया था, हाथ हाथ सैनिटाइज किया था, सबकी सीटों पे ये पूड़ी रखी हुई है, तुम्हारी सीट ही नहीं है तो पूड़ी कहाँ से ली तुमने, हमको तो प्रॉब्लम हो गया, हमको लगा ये माउथ फ्रेशनर है, खा गए हम इसको, सो जिस तरीके से मिलो ऐसा घुट के मत मिलो, हमारे शिखर धवन साहब बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है आपने, और इसी तरह से, और अभी तो आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है, बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी तरह नाम रोशन करते रहिए। अच्छा काला जादू दिखाने आई हूँ, न नीला न लाल न पीला, काला जादू, ये राजेश तुम्हारा गिर रहा है, ये गिला है राजेश, ऐसे कैसे करूंगी प्रोग्राम, नीचे बैठ के मैंने कभी नहीं किया प्रोग्राम, राजेश इसको टाइट करो और करो, बस राजेश मत कसो, अब सबसे मुश्किल पार्ट जिसमें जान का खतरा है, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, If I be here, then I won't be able to do the show. Very unfortunate man, Shri Nakhil Amitabh Bachchan. आज इस मॉल में, इस मौके पर, इतना खूबसूरत माहौल में एक कविता सुनाना चाहता हूं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसको पता है हाईवे से सीधा रास्ता मॉल का,
उस पे खड्डों की मार नहीं होती। कौन बनेगा अपनी बीवी का पति? और उसके लिए मैं आप में से किसी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, किसी कपल को। कोई आना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, लेकिन कपल होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ। यहां से वो जो खुद करेंगे हाथ तो ठीक है, आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जो कोई हस्बैंड वाइफ कौन है? यहां से मैं किसी को बुलाना चाहूंगा, यहां से कोई आना चाहते हैं? स्वागत आपका, यहां विराजमान हो जाइए प्लीज। वे भी नई नई शादी करा के आए हैं भाई साहब, शादी कराते हैं, प्रोग्राम देखने ले आए। कितना समय हो? 1.5 साल होने वाला आपकी शादी को। ये तो उनकी शादी को होने वाला है ना। अच्छा, आप दोनों ने एक साथ की? और मुझे लगा किसी और की बीवी के साथ तो नहीं आता है, क्योंकि जितनी खूबसूरत है उस हिसाब से आपकी तो लॉटरी लगी है भाई साहब। तो हम खेल खेलेंगे और कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। कहाँ मनाने गए आप हनीमून? शिमला। कुछ सीख इनसे। कितने दिन का रहा आपका हनीमून? 5 दिन। देख ले। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। मैं उससे पहले गेम के रूल्स बता दूं, कोई कंप्यूटर नहीं होगा, सवाल सारे मेरे मुंह पर होंगे। क्लास में काफी कॉपी कर करके पास हुए प्रिंस जी, क्योंकि मेरे पेज की तरफ देख रहे हैं। मैं सवाल क्या है, सवाल इसमें कुछ सवाल नहीं है, इससे कुछ नहीं पूछने वाला, मैं शो के लिए पकड़ा हुआ है। तो गेम के रूल्स, चलती गेम में तू तड़ाक नहीं होगी, ओए ओए नहीं करेंगे एक दूसरे को, माइक उठाकर नहीं मारेंगे, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए इस नकली आदमी पर। रिश्तेदारों पे नहीं जाएंगे। आप निर्भरता का पालन करेंगे, जो भी धनराशि होगी आप अपने आप को स्वयं देंगे। सबसे पहले खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और चलती गेम में बाथरूम कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप जाएंगे तो फिर मेरा जाने का मन करता है। बाथरूम का ऐसा है, एक आदमी जाता है दूसरा का चले जाता है, देख के लग जाती है। तो सबसे पहला सवाल पूछने से पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आपकी उंगली अपने अपने घुटने पे राइट साइड पे, एक तो मास्क, फोन, पता नहीं क्या क्या उठा रखा है, पर्स, घुटने पे उंगली, चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़। आपका कबूतर बहुत ज्यादा उड़ रहा है भाई साहब, उसको थोड़ा रोकें। ऐसा भागता है आपका कबूतर? तोता उड़, तोता तो कबूतर से भी उड़ता है। हाँ, आपका नहीं उड़ा, उन्हीं का तोता उड़ रहा है। तोता उड़, दोनों का तोता उड़ा, बराबर टाइम पे नहीं। एरोप्लेन उड़, ओ गलत जवाब। आप एरोप्लेन में? ये जेट एयरवेज का प्लेन था भाई साहब, ये आजकल नहीं उड़ रहा है। ओ गलत जवाब। और आपका तो लैंडिंग भी ठीक नहीं हुआ, आपने ऐसे लैंड कर दिया। कौन सा माओ का लाल प्लेन ऐसे लैंड होता है? ऐसे कौन करता है भाई? ओके, पार्शियल पार्शियलिटी बेसिस पर आपके साथ खेलेंगे ये खेल। मैंने नाम क्या बोला था खेल? कौन खेलेगा अपनी बीवी का पति? तो सबसे पहले गीता की सौगंध खाइए। गीता, अच्छा ये गीता है, कसम खा लीजिए गीता की, उतर भी खा के ला लो
तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने, धीरे धीरे क्यों शुरू हो रहा है, सामने में बैग वाला होना चाहिए, ये रहा आपके सामने। ओटे ने बहुत अच्छा बजाया इस बार। ये सवाल है प्रिंस साहब के लिए। इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठने का सही तरीका क्या है? टॉयलेट नहीं करके दिखाना है, बैठ के दिखाना है। आप चाहें तो इसमें पाइपलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन टॉयलेट कहाँ? मैंने थोड़ी पूछा कौन सी घर पे है, मैंने पूछा इंडियन टॉयलेट में बैठने का सही तरीका क्या है। एक्सपीरियंस नहीं लिया। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी या डी, कुंडी लगा के। तो ये कहाँ, किसी के छेद में से देखा आपने कहीं? अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो कहाँ रहते हैं आप, कौन सा मोहल्ला है आपका जहाँ पे आपने, किसके बाथरूम में तांग झांग करते हैं आप, और कौन है वो जो इंडियन टॉयलेट यूज करता है जिसके बाथरूम, कैसे पता चला आपको? पहला ए, मैंने तो करा लेकिन आपने तो देखा ही नहीं था पहले, आपने कहा था नहीं, पर आपको पता कैसे चला? ये आपके पास तो ये दूसरी वाली लगी हुई है, खड़े होकर तो किसी भी नहीं करते मैडम, आप नहीं जीत सकती इनसे। कोई नहीं, अभी एक साल रुक जाओ, ये भाई साहब की जवाब मिल जाएगी, 5 साल रुक जाओ। देखो मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, ये बीवियों का प्रकोप है दोस्तों, ऐसे धीरे 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 चाट लेते हैं, बस कवर कर लेते हैं। ओके सही जवाब, ये मिलता है आपको इनाम में टिश्यू पेपर रोल, जो आपके घर, अरे इंडियन टॉयलेट है, पानी दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, आपके सामने भी बजाना है आपको, अभी बोला था आपके सामने, पहले बोल रहे थे, ये रहा आपके आगे, सामने पे करना है, सामने पे, ये तो हर बार बोलूंगा तो नहीं करना है, ये रहा आपके सामने। अगर आप आर्य मॉल घूम रहे हैं, ये सवाल आपके लिए प्रिंस साहब, आर्य मॉल घूम रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, लेकिन दूसरी महिला को देखने का मन करे तो कैसे देखेंगे कि आपकी वाइफ को पता ना चले? इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको। हाँ मेरी जान, टॉयलेट में आपको ऑप्शन की जरूरत थी, इसमें ऑप्शन मांगे भी नहीं आपने, मुंह पे था जिस जवाब, पक्का मार खाएंगे, मार खाने वाले काम किए हैं, आइए सम्मानित करते हैं इन्हें, आइए नहीं ये मार खाने का कॉम्पिटिशन, चलिए बैठे, सही जवाब दीजिए, मेरा नाम देखो, इसको पेन किलर की गोली दीजिए, मार पड़ेगी मैडम से आज इन्हें, और फिर आपका कर भी नहीं है, दूसरी महिला को देख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं अपनी अपनी क्या राशि है भाई साहब?